बिग बॉस के फैंस अगर अर्चना गौतम की इविक्शन से शॉक्ड हैं तो जान लीजिए कि झटकों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। वीकेंड का वार में फैंस को दूसरा सबसे बड़ा शॉक मिलने वाला है। जी हां, अर्चना गौतम के बाद उनकी दोस्त प्रियंका चहर चौधरी भी इविक्ट हो गई हैं। दरअसल शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान खान ने इविक्शन का ये बड़ा बम फोड़ा है। होस्ट सलमान खान प्रियंका का नाम बेघर होने के लिए लेते हैं, जिसके बाद अपनी खास दोस्त प्रियंका को बेघर होते देख अंकित इमोशनल दिखाई देते हैं। प्रियंका चौधरी से सलमान खान पूछते हैं, ये गेम आप क्या चाहते हैं कि कौन जीते? जवाब में प्रियंका कहती हैं, मैं अपने लिए खेल रही हूं और अंकित अपने लिए खेल रहे हैं। इसके बाद सलमान खान शॉकिंग अनाउंसमेंट करते हैं। सलमान अनाउंस करते हैं कि प्रियंका शो से जा रही हैं। ये सुन अंकित और बाकी घरवाले शॉक्ड हो जाते हैं। अंकित की आंखें नम हो जाती हैं और प्रियंका रोते हुए सभी से गले मिलती है। वहीं अंकित प्रियंका चौधरी के जाने का जिम्मेदार खुद को बताते हुए नजर आ रहे हैं। शो का ये विस्फोटक प्रोमो देखने के बाद फैंस बिल्कुल हैरान हैं। उन्हें प्रियंका के इविक्शन पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि इस हफ्ते सुंबुल तौकीर खान, प्रियंका चहर चौधरी और गोरी नगोरी नॉमिनेट हुए हैं। सभी को लगा था सुंबुल या गोरी में से कोई एक इविक्ट होगा, क्योंकि प्रियंका बिग बॉस 16 की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट मानी जा रही थी। उनके शो जीतने के दावे तक हो रहे थे और अब शो के इतनी मजबूत कंटेस्टेंट को घर छोड़ते देख लोग हैरत में हैं। वैसे फैंस को ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीआरपी के लिए भी ये मेकर्स का गेम हो सकता है। ये प्रैंक इविक्शन होना संभव है। ऐसा हमेशा ही होता आया है कि सलमान खान कई बार शो में मस्ती मजाक के लिए शॉकिंग इविक्शन का प्रैंक करते रहते हैं। प्रियंका के फैंस की दिली इच्छा ही नहीं, उनका दावा है कि ये बस एक प्रैंक है, प्रियंका शो छोड़कर नहीं जा रही है। मालूम हो कि बिग बॉस में पिछले 2 हफ्तों से कोई इविक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अर्चना गौतम को शो से बाहर कर दिया गया है। इसीलिए काफी चांस है इस वीक भी कोई बेघर ना हो। दूसरी तरफ चर्चा है कि इसी वीकेंड का वार में अर्चना भी बिग बॉस में एंट्री करेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या सही में प्रियंका इविक्ट हो जाएंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।